आपको इस कार में क्या पसंद है? कुछ भी नहीं। कई लोगों से सुना कि महिंद्रा की कार्स में प्रॉब्लम आती है, जब तक बंदा खुद ना देखे ना तब तक उसको पता नहीं लगता, जब तक वो एक्सपीरियंस ना करे। तो फाइनली मेरी कार में भी प्रॉब्लम आ गई है, और वो आई है DPF, जो होता है DPF समथिंग, कि डीजल फिल्टर कुछ समथिंग क्या बोलते हैं उसको, वो वाली दिक्कत आ गई है। तो मैं नीचे वैसे मेंशन कर दूंगा वीडियो जब एडिट करूंगा कि क्या है, वो आपको दिखाऊंगा अभी। इसमें क्या है कि डीजल गाड़ियों में BS6 वाली स्पेशली जो है, उसमें क्या है कि जो इसके आउटलेट होते हैं इंजन का, वो क्लॉग हो जाता है, जिसकी वजह से ये इस तरह से हो जाता है। तो जब कार ली थी उस टाइम तो मैंने बताया नहीं, जब डिलीवरी हो रही थी उस टाइम साइन करवाया था, बट मुझे ये नहीं पता था कि अभी सिर्फ 4580 यानी कि 4580 किलोमीटर चली है गाड़ी, और मेरे ख्याल से लगभग 80 किलोमीटर पहले शायद ये आना शुरू हो गया होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि दो दिन से कुछ मैं गाड़ी मतलब इसको ज़्यादा नहीं चलाया मैंने। एनी हो, तो ये प्रॉब्लम आई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी जैसे ही इसमें आना शुरू होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस महिंद्रा की कार्स में देखो, पहले मैंने आपको बताया TPMS जो है टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, उसके इशू है, वो भी नहीं जा रहा। सारे टायर्स ठीक हैं, हवा हमेशा सही होती है, वो भी नहीं जा रहा। फ्यूल गलत दिखाता है, कभी एम्प्टी दिखाने लग जाता है, कभी ज़्यादा दिखाने लग जाता है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, वैसे ही ये वाला जो एरर है ये भी, तो पता नहीं क्या चक्कर है, देखते हैं अभी आज इसको चला के। नहीं तो एट द एंड मैं डिसाइड ये कर लिए भाई, गाड़ी मुझे बहुत पसंद है मगर इतने इशूज़ के साथ में तो रखनी भी मुश्किल है। क्या पता गाड़ी चल रही है, जा रहा हूँ कहीं रास्ते में बंद हो जाए तो क्या फ़ायदा। महिंद्रा की कार्स फिजिकली स्ट्रांग है, बट बाकी तो आई डोंट थिंक की वर्थ है। पता नहीं कैसे चल रही है, पुरानी वाली है वो नो डाउट अच्छी है। ये दिखाता हूँ मैं आपको भी, मैं कह रहा था ये फ्यूल वाला, ये देखो ये कल जब मैंने गाड़ी खड़ी करी है ना, तो ये मिडल से थोड़ा सा नीचे था, और मैंने अभी गाड़ी सिर्फ स्टार्ट करी है, मैं कहीं गया भी नहीं। एंड ये देख लो बिल्कुल मतलब हाफ से भी कम हो गया, जहाँ KM/R लिखा है ना उतने आगे थी, और ये अभी खड़ी खड़ी में इतनी शो कर रहा है। अब क्यों कर रहा है मुझे नहीं मालूम, क्या ये DPF जो भी है वो बोले फिल्टर की उसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है आई डोंट नो, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये बेकार चीज़ है, बिल्कुल ही बेकार है। महिंद्रा को ये सब चीज़ें ठीक करनी चाहिए। महिंद्रा कार ये मैं दिखा देता हूँ, कहीं कोई बोले कि ये क्या है वो क्या है, झूठ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो मैं आपको बता रहा था ना अभी फ्यूल कहाँ था और अब फिर कहाँ पहुँच गया, ये वापस उसी लेवल पे। तो ये इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, आप मीटर रीडिंग भी चेक कर लो और ऊपर टाइम भी देख लो, बाकी जब यहाँ एरर आएगा वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो जो मैं कह रहा था, ये क्लॉग्ड का एरर आने लगा है। तो अभी चली कितनी है कार वो भी आपने देख ही लिए, और ये है ये जो कार है ये बस कुछ दिन के लिए रह गई है, एक कार जाने वाली है, अब दूसरी आएगी, मम्मी को लेके जाएंगे हुंडई और मारुति सुजुकी और होंडा वगैरह के शोरूम्स में, वहाँ जा के देखेंगे कि कौन सी कार लेनी है। कौन सी कार मतलब पहले मम्मी को उसमें ना बिठा के देखना, ठीक है, बिठा के देखेंगे कि वो कौन सी कार में बैठ पाते हैं। सेडान में तो इजीली बैठ जाएंगे, हैचबैक में भी बैठ जाएंगे, पर मुझे वो लेनी नहीं है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन कार्स लाइक क्रेटा, ग्रैंड विटारा और मे बी एलिवेट मुझे इतनी पसंद नहीं है, बट चलो देख सकते हैं। तो वो कार्स को देखने के लिए जाएंगे, उसमें वो बैठ पाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वरना या होंडा सिटी या ऐसी कोई कार चूज़ की जाएगी जो मुझे पसंद है बट मैं लेना नहीं चाहता, बिकॉज जो उसकी डिग्गी वगैरह है तो उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है नहीं, क्योंकि मेरा मेन मकसद होता है जैसे साइकिल कहीं लेके जाना है या जेम्स को घुमाने लेके जाना है, या कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कोई बोरी है, कोई गमला है, कुछ भी है,
तो वो उसको रख सकें। तो वो मेरा मेन मकसद है। तो इसी वजह से मैंने ये बुलेरो ली थी, जैसे आपको पता ही है देखो कितनी स्पेस है इसमें, तो इसी वजह से वो ली थी। बट वो चीज़ थोड़ी सी हो गई, और दो गाड़ियाँ रखने का कोई मतलब है नहीं। जैसे आपको पता ही है कि मेरे पास महिंद्रा की बोलेरो न्यू है और दूसरी कार मेरे पास है हुंडई वेन्यू एस, तो दोनों कार रखने का कोई मतलब नहीं है। मनी भी ज़्यादा लगता है, क्यों, मेंटेनेंस भी रखनी है, सर्विस भी होएगी, उसके बाद में इंश्योरेंस भी होएगी, वेयर एंड टीयर भी है, सब कुछ है, टैक्सेस ये वो। और वैसे भी फ्लैट्स में आपको पता है कितनी स्पेस होती है गाड़ी खड़ी करने की, तो इसीलिए एक ही कार रखनी है। अभी भी मैं यही अपनी बात पर मेंटेन हूँ कि मैं बुलेरो नियो को सेल नहीं करना चाहता। इसमें प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है पुराने वीडियोस में, जैसे कि म्यूज़िक सिस्टम जो मैंने चेंज करा लिया, फिर भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। इसके यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं ये भी इतने बनी, कोई स्पेस नहीं है, और विंडो ओपन करने के कंट्रोल, चलो ये तो बंदा धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। बाकी यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ स्पेस होता ना तो फ़ोन रखने की बहुत इजी होता। मैंने ये जो है एम्ब्रेन का ऐसे लगा रखा है स्टैंड मोबाइल होल्डर, बट वो बात नहीं है जो यहाँ पे स्पेस की होती है, वो इजी फील होता है फटाफट रखा, ये ऐसे व्यू को थोड़ा सा वो कर देता है, बट चलो एडजस्टमेंट कर ली है। ये चीज़ें हैं सारी, अब देखते हैं कौन सी कार आती है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे तो लगता है क्रेटा ही आएगी, अगर बैठ पाए मदर, अगर नहीं बैठ पाए तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, वरना वगैरह देखेंगे, पसंद है बट लेनी नहीं है, टाइम विल टेल। चलो जी जाए जाए, दिन की शुरुआत करते हैं, तैयार तैयार हुए। स्क्रैचेस कैसे पड़ गए यार, पता नहीं, चलो एनीवेज तो गाड़ी की चाबी अपने देख ही रखी है, और ये मैंने एक टी शर्ट ली है एक टी शर्ट ली है, उसके साथ ये की रिंग है, लियो ट्यूड नाम की है कंपनी उसके साथ आया। चलो अच्छी बात है, कोई कुछ तो गिफ्ट दे रहा है, ये चाबी के साथ में अच्छा लगेगा, मतलब इसके साथ नहीं दूसरी चाबी उसके साथ। ये जो बोलेरो है ना, इसमें क्या है, ये कॉर्नरिंग लाइट है, जब हम मुड़ते हैं ना तो ये वाली लाइट अपने आप ऑन हो जाती है, ज़्यादा लाइक ज़्यादा लाइट आती है तो उससे साइड पे आराम से दिखता है। और दूसरा इसके अंदर क्या है, फॉग लैम्प भी है। अब वाली गाड़ियों में तो बिल्कुल ही बंद हो गए, जैसे अभी हमने देखा है इसमें क्रेटा में, तो उसमें है ही नहीं फॉग लाइट, अब आ भी नहीं रहे हैं, बहुत कम लाइट उसमें आने लगे। गर्मियों की शुरुआत आइसक्रीम के साथ, बड़ा बाइट आइसक्रीम कुकीज एंड क्रीम, ये वाडीलाल की है, इससे शुरुआत हो रही है गर्मियों की। पहनी तो मुझे फिर भी स्वेट शर्ट है, मगर शुरुआत तो हो चुकी है। बस अपनी बुलेरो के मजे ले रहा हूँ, सेल होने वाली है बस जल्दी, स्पिनी और कार्स 24 से बात हो रखी है, देखो जो रेट ज्यादा देगा। बस ये सेल होने वाली है इसलिए इसका पूरा मजा लिया जा रहा है, जाते जाते आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं। अब जो अगली गाड़ी आएगी उसमें देखेंगे कौन सी आती है, मिस बहुत करूँगा मैं गाड़ी, मुझे बड़ी पसंद है, देखते हैं। मैं वेन्यू चला रहा हूँ और मेरी सामने जा रही है बोलेरो नियो, ना मेरे पास ये रहेगी ना मेरे पास वो रहेगी, दोनों में सेल कर रहा हूँ, देखते हैं अब आगे क्या करना है। मेरी ये देख लो, नाम लिखा है और इसका तो आपको पता ही है। इस कार को मैं बहुत मिस करने वाला हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट कार्स। हाँ जरा मम्मी को अपनी पुरानी वाली कार में घुमाने लेके आया हूँ, जो है हुंडई वेन्यू, उसमें लेके आया हूँ। और यह है जरकपुर, जरकपुर के मेन रोड है ये, मेट्रो है ना जो कहाँ गया, और मेट्रो मॉल है उससे वहाँ पे उधर लेके आए आज घुमाने के लिए। ये चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे है वैसे, ये इतना हॉलीडे इन वगैरह वहाँ पे सामने संडे होटल है।
ब्रिज बन रहा है चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे के ऊपर, ऐसे वॉकिंग वाला, दोनों साइड से बनेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये भी बना हुआ है। अच्छी बात है, लोगों को आने जाने वाले लोगों को आसानी होगी। वेन्यू जो है बड़ी मुश्किल लगती है, पहले जैसा नहीं उसमें फील होता बैठ के, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया ये चलाए हुए। इस वाली कार में अब बड़ी दिक्कत होने लगी है, क्योंकि छोटी सी कार लगती है। मम्मी आपको तो मजा आ रहा होगा इस कार में आके ना, क्योंकि आपसे उस वाली कार अपनी कार में बैठी इसमें उसमें मम्मी से चढ़ा नहीं जाता, इसलिए वेन्यू वापस घर पे आई। तो आज उसी में मम्मी को घुमाने के लिए लेके आए इधर ही। बाकी मुश्किल वेट में इनको बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसे छोटी सी कार लग रही है, जैसे ना वो होती है ऑल्टो वगैरह होती है, वैसी फीलिंग हो रही है। बाकी फैमिलियर वही सब चीज़ें, इसमें ये चीज़ सबसे बढ़िया और इसमें ये भी बढ़िया, टच स्क्रीन वाले बेकार होते हैं, यही बेस्ट है। ओल्ड इज गोल्ड होता है।